नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। ईरान के अड़ियल रवैये को देखते हुए अमेरिका को झुकना पड़ गया है और अब वे ईरान के साथ परमाणु समझौते में लौटने के लिए तैयार हो गया है। यूरोपीय संघ ने अगले हफ्ते बैठक बुलाई है जिसमें अमेरिका और ईरान दोनों हिस्सा लेंगे। इस बैठक में परमाणु समझौते पर ईरान के साथ खुली बातचीत होगी। 2015 के परमाणु समझौते के लिए सभी पक्ष इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इस समझौते को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने और प्रतिबंध लगाने के लिए वापस ले लिया था। इस समझौते के लिए यूरोपीय दलों ने कहा है कि उनके पास अमेरिका और ईरान के साथ वियना में अलग अलग संपर्क होगा। अमेरिका इस बैठक को स्वीकार कर चुका है। अगले कुछ ही दिनों में ईरान और अमेरिका एक ही शहर में होगा, लेकिन एक कमरे में नहीं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेट प्राइस ने वियना में बैठक के बारे में कहा है कि ये शुरुआती दिन है और हम एक तत्काल सफलता का अनुमान नहीं लगाते हैं क्योंकि आगे कठिन चर्चा होगी, लेकिन हम मानते हैं कि यह एक सख्त कदम है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ईरान के साथ इस समझौते में फिर से शामिल होना उनके प्रशासन की प्राथमिकता है, इसीलिए बहुपक्षीय वार्ता की शुरुआत को लेकर सहमति बनी है ताकि 2015 के परमाणु समझौते पर लौटने के लिए ईरान और अमेरिका के मतभेदों पर चर्चा हो सके। प्राइस ने कहा है कि अगले हफ्ते होने वाली इस वार्ता में ईरान के अलावा सभी पक्ष शामिल होंगे। इस बैठक में ईरान और अमेरिका आमने सामने नहीं होगा। अमेरिका ने कहा है कि अभी हाल फिलहाल में ईरान के साथ एक ही कमरे में बातचीत की कोई उम्मीद नहीं है। प्राइस ने कहा है कि हालांकि अमेरिका ऐसा करने के लिए तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने जोर देकर कहा है कि ईरान और अमेरिका के अधिकारियों के बीच कोई बैठक निर्धारित नहीं हुई है। हालांकि अमेरिका को इस समझौते में लौटने में बहुत परेशानी होगी क्योंकि ईरान लगातार करार के प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान का यह कदम करार में शामिल हुए अन्य देशों रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन पर दबाव डालने के लिए है। इस पर ईरान का कहना है कि हमें इस समझौते का पालन करने के लिए कहने से पहले अमेरिका के लिए जरूरी है कि वह अपने वादों को पूरा करे। ईरान के इस रवैये को देखते हुए लगता है कि ईरान किसी भी सूरत में अमेरिका से दबने के लिए तैयार नहीं है। उधर चीन ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती खाई का फायदा उठाते हुए ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है और ईरान के साथ 25 साल के लिए एक करार किया है। ईरान के उपविदेश मंत्री अब्बास इराकची ने कहा है कि इस समझौते में लौटने के लिए अमेरिका के साथ बैठकर किसी तरह की बातचीत की जरूरत नहीं है, बल्कि अमेरिका के सामने रास्ता पूरी तरह स्पष्ट है। उनका कहना है कि अमेरिका ने जिस तरह परमाणु समझौते से बाहर निकलकर ईरान के खिलाफ गैर कानूनी पाबंदियां लगाई हैं, उसी तरह वह इस समझौते में वापस आकर अपनी गैर कानूनी गतिविधियों को खत्म करे। आप मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। शुक्रिया।